रख दिए हैं चिकन को और आलू को बॉईल होने के लिए। फाइनली यहाँ 1 टेबल स्पून। अब हम आपको बता रहे हैं हमने रोल को किस तरह कट लगा के इसको बंद कर दिया। अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं। हमने इसके ऊपर लाइट लाइट सा एग भी ऐड किया था। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं पता नहीं ये चिकन के कबाब होते हैं। फ्राई करें अपने घर पर खाएं। यम्मी, ना स्मोक हो रहा है और खुशबू भी बहुत मज़े की। तो गाइस हमने रख दिए हैं चिकन को और आलू को बॉईल होने के लिए चूल्हे पर। हम इसे बॉईल होने देंगे। इसमें हमने नमक 1 टीस्पून नमक ऐड किया है जो चिकन में ऐड हो जाएगा, टेस्ट आ जाएगा चिकन में। और हमने अब इसमें दूसरा चीज़ जो ऐड किया है वो है सिल्का 1 टेबल स्पून। तो अब हम गूंद रहे हैं मैदे को आटे की तरह। इसमें हमने ऐड किया है अजवाइन, नमक और 2 कप मैदा और ऑयल भी हमने 1 टेबल स्पून डाला है इसमें। तो हमारे चिकन और आलू और हमारा आटा गूंद चुका है। आटे को हम लोगों ने, मैदा है ये, इसको हमने 20 से 25 मिनट के लिए गूंद कर रख दिया था। और आलू और चिकन हमारे बॉयल हो गए हैं। अब हम आपको बताएंगे कि ये किस तरह तैयार होगा। आलू और चिकन हमने एक बॉयल में ले लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून, नमक 1/2 टीस्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, मायोनीज लिया 1 टेबल स्पून। आप लोगों ने देख लेना है, अगर आप लोगों को इसमें और ऐड करनी है तो आप और ऐड भी कर सकते हैं मायोनीज से, तो टेस्ट अच्छा आएगा। बच्चे पसंद करते हैं। सो हम लोगों ने 2 टेबल स्पून मायोनीज का इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप लोगों ने भी पेड़े को छोटा नहीं लेना रोटी के, थोड़ा सा थिक होना चाहिए आपका। इससे ये होगा कि हमारा जो चिकन वगैरह है वो फट के बाहर नहीं आएगा। ज़्यादा पतला नहीं लेना हमें, जिस तरह समोसे और रोल की पैटी होती है ना, सेम इसी तरह हम लोगों ने लेना है। बहुत ही मज़े का बनेगा ये बहुत ही बच्चों के लिए अच्छा और टेस्टी स्नैक है। किसी मोटे चम्मच की मदद से या तेज छुरी के साथ आप इसको यूँ अच्छे से कट लगा लें। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। अब हम आपको बता रहे हैं हमने रोल को किस तरह कट लगा के इसको बंद कर दिया। यूँ ही हम सारे बनाते। अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं। हमने इसके ऊपर लाइट लाइट सा एग भी ऐड किया था। इसको हमने डीप फ्राई नहीं करना, ये स्नैक है तो इसलिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होगा। अब इसको चाय के साथ भी ऐड कर सकते हैं। आप लोग अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। मिनिया के खाने जितने भी हैं सब अपने घर पर एक बार बनाकर ज़रूर देखें। बहुत ही आसान बनते हैं, जल्दी बनते हैं।
अब आप हमको चेक करके बताएंगे इस तरह से खूबसूरत। ये देखिए अब हम वन बाय वन इसको चांद कर रहे हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन शेड आ गया। एग वाली साइड अब हमने नीचे करती है कि हमने सारी साइडें पका लेनी है अच्छे से, डीप फ्राई नहीं करना। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, इसमें हम लोगों ने ऐड किया था चिकन, बॉयल चिकन था, बॉयल आलू, मायोनीज के 2 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर का 1 टेबल स्पून था, और नमक जो था वो हमने डाला था 2 टेस्ट अपने टेस्ट के हिसाब से। ये झटपट बनने वाला स्नैक है, तो आप लोग भी अपने घर पर ये बनाकर ज़रूर खाएं और ट्राई करें, मज़ा करें। चाय के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। तो गाइस अब हम इसे निकाल रहे हैं, लेकिन कितने खूबसूरत हमारे गोल्डन कलर आ गया है रोल को, बहुत ही यम्मी और टेस्टी। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं पता नहीं ये चिकन के कबाब होते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें अपने घर में, मज़े से खाएं। सेमिनिया पर आज हमने बनाया था चिकन रोल, बच्चों का पसंदीदा स्नैक होगा ये। इसे ट्राई करें अपने घर पर खाएं, यम्मी, ना स्मोक हो रहा है, वो खुशबू भी बहुत मज़े की। इट्स वेरी यम्मी टेस्टी। हमारे चैनल पे जो भी रेसिपीज आती हैं उसे बनाया करें अपने घर पर, इंजॉय किया करें और खाया करें। समिनिया की वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा। बहुत मज़े का बना है। अब हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।